योगी युग है, मोदी युग है, जिसमें चोर अपने हाथ में तख्ती लेकर जाता है और कहता है मैं चोर हूँ और मुझे जेल में भेजो। यह है योगी राज, यह है मोदी राज। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ये बात नहीं करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इन्होंने दुनिया भर के पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर सारा का सारा बीजेपी को चंदा दे रखा है। पॉलिटिशियंस नहीं, सारी कंपनीज ने चंदा दे रखा है। तो महंगाई लाए हैं, बेरोजगारी लाए हैं और भ्रष्टाचारी लाए हैं। दिन देखो किसान ग्रेटर नोड़ा नोड़ा थोड़ी पे धरने पे बैठा है अपनी मांगों को लेकर। अगर अपनी मांगों को लेकर बैठा है तो उस पर बेफजल मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं और इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 307 तक का भी मुकदमा दर्ज हुआ है किसानों, तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये शायद 2014 से पहले भूल गए हैं, जब यहाँ पर लोगों को पर्ची दी जाती थी और बोला जाता था कि आपको पैसे देने हैं और आपको फिरौती देनी है। गोली मार दी जाती थी यहाँ पर लोगों को। अब की बार तो इन्होंने इतने सारे दावे कर रखे हैं यहाँ पर। ये कहते हैं 400 पार लेके जाएंगे, हम तो कह रहे हैं अपनी कुछ एरियाओं में जमानत बचानी भारी पड़ जाएंगी इनको। ये लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं और फिर इनसे पूछताछ भी ना हो। पहले तो चोरी करो और फिर यदि इनसे कोई पूछने के लिए ईडी सीबीआई जाए तो ये कहते हैं जी ये तो मोदी जी ने लगा दिए। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। सबसे पहले इन्होंने देखो अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। MY जो पैदा किया था समाजवादी ने, मुस्लिम और यादव, ठीक है, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे मुस्लिम की बात, भाजपा बात करते हैं मुसलमान की। आप उनके साथ काम करेंगे जो गेस्ट हाउस में एक महिला के कपड़े उतार देते हैं। बहन जी के साथ जो बदतमीजियां की थी समाजवादी पार्टी ने, बहन जी भूल गई थी एक कालखंड में, एक बार उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने सोचा कि मैं कहां गई अपराधियों के साथ। क्या एक बार बताइए आप, जो वो सिलेंडर को तुम पूरी पूरी रात से नंबर लगाते थे, लाइन लगाते थे, औरतें बैठ जाती थी, आदमी अपने काम छोड़ छोड़ के बैठ जाते थे, उन चीज को भूल गए तुम? आप कब बोले राम मंदिर बनाते, राम मंदिर का किसी को कुछ देगा नहीं देगा ना? नहीं, किसानों को करो, किसान जो बेचारे हैं, मजबूर हैं, उनके लिए तो करो। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आप कितने हैं तैयार ये जानने के लिए? लगातार श्रेष्ठ भारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जनता की नब्ज टटोलने के लिए और ये भी जानने के लिए कि आखिर मंत्रियों के दिल में क्या छुपा हुआ है जो तमाम दावे और तमाम वादे लगातार किए जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं अर्जु दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप यहां खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं अपनी आवाज, बता सकते हैं हमें कि इन 5 सालों में आपके इलाके में क्या काम हुआ है और क्या खामियां रह गई हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। हम लोग इस वक्त दादरी में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहां की जनता भी मौजूद है। चलिए बोल भारत बोल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दों की कि 5 साल में आखिर क्या काम हुआ है। 5 साल में 5 काम हमारे हिसाब से तो जी जितने भी इन्होंने मुद्दे हमें बताए थे, वादे किए थे, नौकरी देंगे, कर्ज मुक्त करेंगे, 15-15 लाख रुपए आएंगे, हम तो समझते हैं उन्होंने एक काम भी नहीं किया है। पांचों मुद्दों में से या 10 मुद्दों में से या 50 मुद्दों में से एक काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। पांच अगर किया है तो महंगाई लाए हैं, बेरोजगारी लाए हैं और भ्रष्टाचारी लाए हैं। अच्छा, इलाके की बात करें, इलाके में क्या विकास हुआ है? विकास यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वो 10 साल में यहाँ एक दफे भी नहीं आई, एक दफे भी हमने कहीं देखा नहीं उन्हें आते हुए। कौन नहीं आया? जो हमारे सांसद है, क्या नाम है उनका? महेश शर्मा जी। वो यहाँ पर एक बार भी नहीं देखे गए। हाँ। तो यहाँ विकास होगा कहाँ से जब वो आई नहीं, गली मोहल्ले में कभी गई नहीं, तो विकास कहाँ से होगा? जब वो आएंगे जब तो उन्हें पता पड़ेगी। अच्छा, कभी नहीं देखा आपने महेश शर्मा को? नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ, आए नहीं है वो यहाँ। दादरी में उनकी जीतने के बाद में सूरत नहीं देखी हमने। अच्छा, क्या काम हुआ है पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में देखो सबसे अहम मुद्दा जो है ये है विधायक, इन्हों की 4-5 विधानसभाओं में
और लोकसभा सांसद भी इनके ही हैं, लेकिन पूरे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा बहुत बैकवर्ड एरिया में पहुंच चुकी है। कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टैंड एरिया में नौकरी भी जो मिलती है, बाहर के लोग तो काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को, स्थायी लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं है। और दूसरा मेन जो वो है, तो इन्होंने जो पाँच, जैसे बता रहे हैं कि पाँच साल में पाँच काम बताओ, अभी आपने सवाल किया, तो इन्होंने ये बताइए पाँच साल में पाँच का, इन्होंने दस काम भी नहीं करे। जैसे बता रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए देंगे, वो 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, 15,000 नहीं आई। और गैस सिलेंडर आप देख रहे हो, हर चीज़ पे इन्होंने महंगाई तो कर रखी है, कमर तोड़ कर रखी है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, क्या करें? जब कारोबार ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा? किसान आत्महत्या कर रहा है, इस डगार पर दिए देश पहुँच गया है। तो ये तो आपको देख, आप देख रहे हैं आए दिन, देखो किसान ग्रेटर नोएडा नोएडा थोटी पे धरने पे बैठा है अपनी मांगों को लेकर। अगर अपनी मांगों को लेकर बैठा है तो उस पर बेफजूल मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं, और इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 307 तक का भी मुकदमा दर्ज हुआ है किसानों पर। तो ये बड़े अफसोस की बात है, हमारे लोग, हमारे सांसद होते हुए भी फिर भी किसानों का एक मुद्दा पूरा नहीं कर पाए और मजदूरों का कोई उठा नहीं पाए संसद में, तो फिर ऐसे सांसद का क्या फायदा? ठीक है, ठीक है, चलते हैं जरा भाजपा वालों के पास। बड़े दावे कर रहे हैं आजकल, तमाम वादे दावे सब चल रहे हैं, जनता बोल रही है काम नहीं हुआ इलाके में। देखिए जो भाई मेरे कह रहे हैं वो चश्मे से देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का, मैं स्थानीय विकास की बात करूं, हाँ। तो जहां हम खड़े हैं यहां से थोड़ी दूरी पर आप अगर स्वयं जाके देखेंगे तो यहां के विधायक और सांसद के प्रयास से बालिका इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है, और शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है विकास का। वो इन भाइयों को शायद जानकारी नहीं है क्योंकि वो उधर जाते नहीं हैं, इन्हें बस ऐसे ही दिखता रहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराध और भ्रष्टाचार हो रहा था उससे भी बाहर नहीं निकले हैं। अच्छा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे, ये दादरी की स्थिति बहुत ख़राब थी, और बाईपास जो बनाया है विधायक और सांसद के प्रयास से आप जाएंगे वो विकास की एक बहुत बड़ी धुरी है, हाँ। उसके बाद अगर आप जाएंगे गांवों को जोड़ने का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से कितने काम हुए हैं इन भाइयों को नहीं पता है। अभी यहाँ डिग्री कॉलेज है और एक इंटर कॉलेज है, वहाँ जो लाइब्रेरी बनी है यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसे आप देखेंगे उससे पता लग जाएगा कि विकास की क्या यहाँ एक नींव पड़ी है। और सबसे बड़ा एक बात मैं कहना चाहता हूं, जेवर का जो एयरपोर्ट बन रहा है जिससे पूरे गौतम बुद्ध नगर का, पूरी दुनिया में जो नाम हुआ है उससे बहुत अछूते हैं, और इनके जो नेता हैं वो तो गौतम बुद्ध नगर को खत्म कर चुके थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से। दोबारा किसान बोल रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में जो जेवर एयरपोर्ट है वो किसानों का विनाश आया है, ऐसा किसानों का कहना है। मैम वो जो है समाजवादी प्रायोजित लोग हैं, इन्होंने आगरे में एयरपोर्ट को ले जाना चाहते थे, हाँ। माननीय अखिलेश यादव डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रयास से और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से जेवर में बना है, और किसानों ने अपने सहमति से जमीन दी है, उन्हें पता है कि एक एयरपोर्ट बनने से कितनी विकास की एक नई नई इमारतें खड़ी होती हैं, और ये जिला कहाँ पहुँच जाएगा, ये लोकसभा क्षेत्र कहाँ जाएगा, अभी समाजवादी लोगों को पता नहीं है इस बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब लेंगे। सहमत है इनकी बात से आप? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। इन्होंने बताया कि बालिका इंटर कॉलेज बन रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब से बन रहा है, कौन से सन से बन रहा है। अब आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के समय से बन रहा है जी। कब इसको बनाएंगे, हाँ। कब इसको पूरा करेंगे? अगर ये बात कर दी जाए तो ये लोग कहते हैं कि जी जो मरीज होता है वो डॉक्टर के पास जाए, अगर वो मरीज पहले ही डॉक्टर के पास भर्ती हो तो डॉक्टर को इसका इलाज पूरी तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। इनको पता है कि 10 साल हो गए उसको बनते हुए, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, कुछ ही दूरी पर है यहाँ से। मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है जी। चलिए 2024 का नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा ऐलान, 400 पार। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी हमारे पास, हमारे साथ लोग हैं, 400 पार का जो आंकड़ा है हो पाएगा? ये तो कहने की बात है, 400 क्या, अब की बार तो अपनी ये, हम तो ये कह रहे हैं तड़ी पार हो जाएगी बीजेपी। अब की बार तो इन्होंने इतने सारे दावे कर रखे हैं यहाँ पर, ये कहते हैं 400 पार लेके जाएंगे, हम तो कह रहे हैं अपनी कुछ एरियाओं में जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी इनको। अच्छा। आम आदमी पार्टी यहाँ पे आपका दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, 4 सीटों पर हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी आगे चल रहे हैं इन सब। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर में हमारे सपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जी, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, काफ़ी सीनियर पर्सन हैं,
बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है दुनिया भर के, इन्होंने सारे अच्छे काम किए हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने पिछले यहाँ पे जब से भी इन्हें कार्यकाल संभाला है पूरे क्षेत्र को, गौतम बुद्ध नगर को पीछे ही लेके जा रही है। पीछे कैसे लेके जा रही है? शिक्षा का पूरे तरीके, जिसका भी नाम ले रहे थे सज्जन यहाँ पर, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन इन्होंने पूरे तरीके से कर दिया है। हर यूनिवर्सिटी स्कूल में इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के नाम पर और सेल्फ फंडिंग के नाम पर सारे कोर्सेज की फीस जो है एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन लाख रुपए पहुंचा दी है। गरीब का बच्चा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे पढ़ेगा, कोई इनका कोई अकाउंटेबिलिटी कोई सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अरे रुकिए, तालियां बजा रहे हैं, पहले सवाल सुन लीजिए, बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। सुनिए, अभी आपने बोला कि भाजपा वाले अपनी जमानत बचा ले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, अब आम आदमी पार्टी अगर 4 सीट पर लड़ रही है तो कैसे जीत दर्ज कर पाएगी? दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी जी। और दिल्ली में आपके 7 सीटों पे गठबंधन लड़ रहा है और 7 में से 4 सीटों में आम आदमी सामने से लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस है। और उसके बाद में हम पंजाब में भी लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी लड़ रहे हैं, गोवा में भी लड़ रहे हैं जी। इन सभी जगहों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन आपका बहुत प्रमुख रूप से आगे चल रहा है हर जगह पे। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में इनका पूरे तरीके से इन्होंने अपनी ईडी सीबीआई का मिसयूज ही किया है। अच्छा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मामला अभी शराब घोटाले का निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला खत्म कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। अच्छा। तो ये भी मामला निस्तनाबूद ही होगा। संजय सिंह जी को अभी तुरंत ही कुछ दिन पहले ही जमानत पर रिलीज किया गया है और ऐसे ही जमानत इनको भी मिलेगी। और जिस तरीके के ये पूरे तरीके से अपना इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ये बात नहीं करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इन्होंने दुनिया भर के पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर सारा का सारा बीजेपी को चंदा दे रखा है। पॉलिटिशियंस नहीं, सॉरी कंपनीज ने चंदा दे रखा है, उस चंदे के बारे में बात नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी इनकी सेट नहीं हो रही है। लगातार विपक्ष बोलता है कि बीजेपी ईडी सीबीआई, अब आप समझ जाइए मुझे सवाल पूछने की शायद जरूरत भी नहीं है। ये लोग चोरी करते हैं, अच्छा, भ्रष्टाचारी हैं, और फिर इनसे पूछताछ भी ना हो। अच्छा। पहले तो चोरी करो और फिर यदि इनसे कोई पूछने के लिए ईडी सीबीआई जाए तो ये कहते हैं जी ये तो मोदी जी ने लगा दिए। स्वतंत्र दोनों की दोनों संस्थाएं दोनों स्वतंत्र हैं, ईडी और सीबीआई, और आज ही नहीं हो रही है ईडी और सीबीआई की जांच, ये जब कांग्रेस की सरकार थी जब लालू यादव पर केस चला और वो जेल गए। हाँ। कांग्रेस की सरकार में आज लालू यादव कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं, तो इन लोगों से पूछो आज थोड़ी हो रही है ईडी और सीबीआई की जांच, ये तो पहले से भ्रष्टाचारी है। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, शराब घोटाले में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 4 मंत्री, 1 मंत्री इस्तीफा दे गया, क्या लेंगे और ये, और कितने सबूत इन्हें देने पड़ेंगे, सारे जेल काट रहे हैं आज भी। एक आदमी जमानत पर छुटकर आया है, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत सच्चे हैं, बहुत ईमानदार हैं। ये ईमानदारी के बलबूते पर तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके ये जनता का विश्वास, इन्होंने धोखा देकर विश्वास जीत कर, ये जहाँ चुनाव जीत कर दिल्ली में आए थे और काम करा उसका उल्टा। इनको वहाँ की दिल्ली की महिलाएं कोस कोस कर ये कहती है कि मेरे बच्चे की हत्या हो गई, शराब के ठेके गली गली मोहल्ले में खोल दिए इन लोगों ने, इतनी शराब पिला पिला के लोगों को मार दिया जिसका रिकॉर्ड भी नहीं है आज दिल्ली के पास में, ये लोग बात कर रहे हैं आज हमारे। ठीक है, चलिए गठबंधन की बात हो रही थी, अभी बीजेपी की तरफ से एक आ गया कि लालू यादव कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन में नहीं आऊंगा, ये कहना किसका था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अब जो ये गठबंधन हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सभी, जब कोई भी पार्टी अपने स्तर पे काम करती है तो जनता की जितनी भी मुद्दे की बातें होती है उसी को देख करके काम करती है। हाँ। बट जब जहाँ पे संविधान के ऊपर सवाल आएगा, हाँ, और संविधान को बचाने के लिए अगर हमें कुछ करना होगा तो हमें वो सारे काम करने से हम पीछे नहीं रहेंगे। संविधान को बदलने की बात आप लोग करते हैं, संविधान में से डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात आप लोग करते हैं, आप लोग संविधान में से सेक्युलरिज्म की बात खत्म करने की बात करते हैं, उसको खत्म करने के लिए अगर यहाँ पर किसी चीज का स्टैंड लेना पड़ेगा तो वो आम आदमी पार्टी लेगी और अपनी जनता को और संविधान को बचाने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से सवाल लेते हैं, ये जो MY फैक्टर है, MY फैक्टर जी, क्या है ये? सिर्फ MY फैक्टर ही आपको चुनावों में दिख रहा है और कोई फैक्टर नहीं है? यूथ, महिला। अच्छा, तो सिर्फ MY फैक्टर का ही जिक्र क्यों किया गया है? ये तो सब जिक्र कर रहे हैं और उसमें जिक्र करने में परेशानी क्या है? बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ पे भाई होंगे वो नहीं कर रहे, सिर्फ समाजवादी पार्टी पे आरोप। समाजवादी भी और बीजेपी भी, सारी पार्टियाँ महिलाओं की और युवाओं की बात करती है, अगर हमारा नेता इसकी बात कर रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? विपक्ष आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ
जातिवाद करती है, विपक्ष परिवारवाद करती है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा भ्रष्टाचार का भी, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए अभी मैं आपको बता दूं, जिसको माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है नाम लेके, और उसको पुलिस जगह जगह ढूंढ रही थी, और वो एक मंच पर आके सदस्यता ग्रहण कर रहा है बीजेपी की, तो कहाँ भ्रष्टाचार को ये ख़त्म कर रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी बात का ना जवाब नहीं दिया आपने, घुमा दिया। मैंने घुमा दिया? जी जी जी, परिवारवाद जातिवाद इस पर बात सवाल किया था, आपने एकदम ऐसे घुमा दिया, आपको लगा कि मैं बेवकूफ हूँ, समझ नहीं पाऊंगी, मुद्दे पे बात करें। मैं जातिवाद की भी बता दूं, जातिवाद की बात जो है बीजेपी ही करती है, और रही परिवारवाद की बात, परिवारवाद के लिए आप ये देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी और उनके लड़के जो है यहाँ से, पंकज अवाना जी, पंकज जी, पंकज सिंह जी, वो यहाँ है, क्या ये वो परिवारवाद नहीं है? ये भी तो परिवारवाद है। अगर परिवारवाद की बात करी जाए तो परिवारवाद एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें जो परिवार को बढ़ावा देते हैं, और जो बिना परिवार के लोग हैं एकांकी, वो तो खत्म। परिवारवाद अच्छी चीज है, जो लोग ज्यादा डिजर्विंग है उनको मौका ना दिया जाए, उनको मौका नहीं दिया जाए, सबको मौका दिया जा रहा है। तो परिवार में जो लोग नहीं है उनको कहाँ से मौका मिलेगा फिर? ये चीज तो ये पार्टी भी कर रही है ना, अगर ये चाहते हैं कि परिवारवाद खत्म हो जाए तो पहले बीजेपी खत्म करे ना। देखिए सबसे पहला जवाब तो यही, इन्होंने MY की बात करी, MY का मतलब मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। सबसे पहले इन्होंने देखो अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, MY जो पैदा किया था समाजवादी ने, मुस्लिम और यादव, ठीक है, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे मुस्लिम की बात, ये भाजपा बात करती है मुसलमान की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि पसमांदा मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा, जो राजनीति से बहुत परे थे, मुख्य धारा में लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरी बात परिवारवाद, आप ये बताइए मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव राष्ट्राध्यक्ष बने, उसके बाद कौन बनेगा उनका बेटा? आप भाजपा में बताइए कौन बनेगा, JP नड्डा का बेटा बनेगा क्या? पता ही नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। संविधान कोई भी बन सकता है, एक आम आदमी भी बन सकता है, एक मैं भी बन सकता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, एक आम कार्यकर्ता, संविधान को। थैंक यू। तो महेश शर्मा का कैसा काम है? बिल्कुल जीरो। मैं बताता हूँ डॉक्टर, एक से ही पूछ लूँ पहले? बिल्कुल जीरो। आप डिसाइड नहीं करेंगे, बात करने जीरो है, कुछ नहीं किया। मैं उस पीड़ित परिवार से आता हूँ जो डॉक्टर महेश शर्मा मौजूदा सांसद थे और 5 लोगों के यहाँ गोली मारी गई थी, मैं उस पीड़ित परिवार से आता हूँ, और डॉक्टर महेश शर्मा ने एक दिन नहीं सोचा कि इन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए या नहीं। ये भय की बात करते हैं, समाजवादी में सबसे बड़ा गुंडा रास्ता, लोग यहाँ पे रोड पे 5 बजे निकल नहीं पाते थे, आज 12 बजे आप महिला हैं आराम से घूम सकते हैं, रात को 12 बजे व्यापारी रात को 12 बजे यहाँ अपनी दुकान खोल के व्यापार कर सकता है। उस टाइम पे क्या होता था, कब पता नहीं कौन गुंडा यहाँ पर्ची दे जाए, कब गुंडा कौन पर्ची दे जाए, और मंथली फिर उसको घर भिजवानी पड़ेगी। आज योगी जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक जगह भी बता दीजिए कहीं दंगा हुआ हो, कोई दंगा नहीं हुआ, और कोई अपराधी, पहली बात तो अपराधी कुछ तो ऊपर पहुंच गए, कुछ जमीन में पहुंच गए, जो बचे हैं सबने सिलेंडर कर दिया। मैम व्यापारी दुकान के हमारे बड़े भाई ने व्यापारी की बात करी है, मैं अमर शुक्ला दादरी विधानसभा से हूं और आम आदमी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे बड़े भाई ने अभी बताया कि दादरी में दुकानें खुली रहती है रात में 10 बजे तक, आप किसी दिन रात में 10 बजे आके देखना, एक दुकानें सिंगल खुली हूँ, शाम को 6 बजे सारे बनिया ताला लगा के चले जाते हैं, जो ये सभी सभी एक व्यापारी का नाम है, व्यापारी है हमारे साथ, इधर आइए, व्यापारी है हमारे साथ, दादरी में इनकी खुद की दुकान है, सोना, कितने बजे दुकान बंद करते हैं? 10-11 बजे तक आराम से खुली रहती है, उसके बाद कोई आता नहीं है। और पहली बात, ये शायद 2014 से पहले भूल गए हैं, जब यहाँ पर लोगों को पर्ची दी जाती थी और बोला जाता था कि आपको पैसे देने हैं और आपको फिरौती देनी है, गोली मार दी जाती थी यहाँ पर लोगों को। मैंने अपने जब मैं छोटा था मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है लोगों को कि यहाँ पर हल्ला हुल्ला खूब ज़्यादा होता था, खूब लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते थे। एटलीस्ट उससे मुझे यहाँ पर बहुत मुक्ति मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि स्वर्ग बन गया है, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा बहुत बुरा, लेकिन हाँ अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हो रहा है, विकास की स्पीड अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी और अच्छी रहेगी। बीजेपी अगर UP में 80 में से 80 सीटें ला रही है, RLD के साथ फिर गठबंधन क्यों किया? ये सवाल तो जो बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने गठबंधन क्यों किया, ये नहीं हम क्यों बताएंगे, हम क्यों दे, हमने आठ सीटें देने का काम किया था उन्हें, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था,
तो वो तो धोखा देके ऐसा जयंत चौधरी और मैंने श्रेष्ठ भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर है, ऐसा जयंत चौधरी के फेस पर जो बीजेपी को वोट डालेंगे वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ उतना सपोर्ट, उतना काम, उतना विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने बीजेपी के साथ जाने का रास्ता चुना है। सारा किसान जो जयंत चौधरी को संपर्क कर रहा था वो सब उनके खिलाफ है। अभी 19 तारीख को पता लग जाएगा, पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत भारी संख्या में सीटें हारने जा रही है। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? जी बताएं, सवाल बताइए। सवाल ये था कि जब आपको पूर्ण विश्वास है कि 80 में से 80 सीटें आपकी हैं, तो क्यों जयंत चौधरी को अपने साथ ले लिए? जयंत चौधरी जी को हमने अपने साथ जो लिया है, सभी जाट समाज का सम्मान रखा है और जयंत चौधरी जी स्वेच्छा से मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और भूल गए आप वो बुराइयां जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर की जाती थी, बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को, और कितने नाम गिनवाऊं मैं? कोई ऐसी बुराइयां कभी भी जयंत चौधरी में नहीं थी। उनके दादाजी ने इस देश को चलाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है, और उनकी भावनाओं को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से, उनके दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इतना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो सिर्फ इसकी खातिर वो आ गए बीजेपी में? इसकी खातिर नहीं आए हैं। आप जमीनी हकीकत को समझिए, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वह समाज समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था। वह राष्ट्रभक्त कौम है और उन्होंने महसूस किया, लोकदल के बाद अगर जाट किसी को वोट देता है तो भारतीय जनता पार्टी को देता है। उनके बड़े नेताओं ने चौधरी जयंत चौधरी जी को समझाया कि आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना चाहिए। आप उनके साथ काम करेंगे जो गेस्ट हाउस में एक महिला के कपड़े उतार देते हैं, बहन जी के साथ जो बदतमीजियाँ की थी समाजवादी पार्टी ने, बहन जी भूल गई थी एक कालखंड में, एक बार उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ गई अपराधियों के साथ, दोबारा उन लोगों से संपर्क कर लिया, अगर बहन जी को बचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाने का काम किया, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को अपना भाई मानती रही बहन जी, उन्हें राखी बांधती रही, और बहन जी जब एक बार चली गई समाजवादी पार्टी के साथ कि मुलायम सिंह नहीं उनके बेटे आ गए हैं तो कोई बदलाव हो गया होगा, लेकिन उन्हें फिर भी लगा कि वो नारा बिल्कुल बदस्तूर जारी है, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, इसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला था बहन जी ने। और इस बार का गठबंधन इसीलिए तोड़ा है कि पिछला जो चुनाव इनके साथ मिलकर वो लड़ ली थी तो अपराधियों और मवालियों के साथ आ गई थी, उन्होंने इस बार महसूस किया है कि मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ूंगी, और वो अपना चुनाव लड़ रही हैं। स्वतंत्र साथ में चुनाव नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनाव नहीं है, आपका आप स्वतंत्र चुनाव लड़ रही हैं। मैं आपसे पूछे, आपने वो उनकी पैरोकारी भाजपा के नेता कर रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कितने स्वतंत्र चुनाव लड़ पा रही हैं वो। कभी आपने सुना था, कभी देखा था कि चोर चोरी करके तख्ती हाथ में लेकर चोर और आए थाने में, ये कहे जी साहब मैंने चोरी करी है मुझे जेल भेज दो। ये राम युग है, योगी युग है, मोदी युग है, जिसमें चोर अपने हाथ में तख्ती लेकर जाता है और कहता है मैं चोर हूँ और मुझे जेल में भेजो। ये है योगी राज, ये है मोदी राज। मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ तानाशाही करने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो खड़ा होगा उसको जेल में डालेंगे, ईडी सीबीआई से पूरा जोर लगा देंगे, मुद्दों की बात करनी नहीं है इनको। यहाँ पे हम बात करते हैं रोजगार की, रोजगार क्या दिया आपने, क्या बोला आपने रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहाँ है भैया रोजगार, कहाँ गए, किसको रोजगार दिया? मैडम मैं ना रोजगार दिया इन्होंने, ना शिक्षा दी इन्होंने। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी महंगाई की बात कर लेते हैं, महंगाई में क्या करा आपने, बीजेपी सरकार ने पेट्रोल का दाम इतना बढ़ाया, सुन लीजिए पेट्रोल का दाम इस समय 100 रुपए लीटर चल रहा है। क्या था पेट्रोल का दाम, क्या था आपका वादा, सुनिए इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी देश, आप 10 साल पहले स्मृति ईरानी 100 रुपए का गैस का, रुकिए 100 रुपए का, जब 100 रुपए का जब पैसा बढ़ता था ना सिलेंडर पर, तो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर के घूमती थी।
पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम अगर कम हुए हैं तो चुनावों को देखते हुए हुए। ऐसा नहीं है। चुनावों को देखकर कम नहीं हुए इसको। रुकिए। तो चुनावों के वक्त ही क्यों याद आया कि पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं या सिलेंडर के दाम कम कर देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन भाइयों को ये नहीं पता कि पेट्रोल के दाम बता रहे हैं, आप डीजल के दाम बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि 1.5 करोड़ गरीब लोगों को जो घर मिला है, जो मकान मिला है, नहीं जो मकान मिला है ये ऑथेंटिक है, आप उस पर जाइए, आप उस पर जाइए। मैं राशन की बात नहीं कर रहा, पहले मैं मकान की बात कर रहा हूँ। मैम आयुष्मान कार्ड के तहत ये भाई बड़े होते जी, क्या बोल रहे हो, बोलो। ये जो कह रहे हैं सिलेंडर उन्होंने फ्री दिया, हर चीज राशन फ्री दे रहे हैं, इनसे भोजन राशन अब से पहले मिलता था, नहीं मिलता था पहले, पूरा यूनिट मिलता था, नहीं मिलता था पहले, पैसों में 350 रुपए का, सुनो मैम 350 का सिलेंडर था। आज सिलेंडर कितने का है? 1200 रुपए कीमत का है, कौन देगा? उसके बाद आज कह रहे भाजपा वाले सिलेंडर हमने फ्री कर रखा। एक बात बताइए आप, जो वो सिलेंडर को तुम पूरी पूरी रात से नंबर लगाते थे, लाइन लगाते थे, औरतें बैठ जाती थी, आदमी अपने काम छोड़ छोड़ के बैठ जाते, उन चीज को भूल गए तुम? एक तुम्हें एक साल में 6 सिलेंडर मिलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, अब तुम्हारे घर में। सरकार ने सिर्फ एक हिंदू मुसलमान के लड़ाने के लिए राम मंदिर किसको देगा, कोई मस्जिद बना दी तुमने, वो करेगा नहीं करेगा ना, कुछ करेगा नहीं करेगा ना। सिर्फ किसानों के मुद्दों पर बात करो, किसान जो आज परेशान है उनके लिए तो बात को करो। आप कब बोले राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर का किसी को कुछ देगा नहीं देगा ना, नहीं। किसानों को करो, किसान जो बेचारे मजबूर है उनके लिए तो करो। आज भाजपा सर आपका सांसद, सुनो सांसद है मैम यहाँ का, 10 साल होगी सांसद को, बता दो 10 साल में आज तक यहाँ पर झाको दिखा दो, एक काम दिखा दो, मैं यहाँ पे सांसद साहब का एक काम दिखा दो यहाँ दादी क्षेत्र में, आज यहाँ पे दिखा दो आज तक सांसद साहब ने करेगा यार कुछ नहीं भाई, इतनी पब्लिक करी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या बीजेपी को फायदा दे रही है? हर जगह जहां भी जाते हैं सब यही बोलते हैं कि बीजेपी के प्रचार में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। वो तो काम ही ऐसा कर देते हैं, कई बार वो अपने आप ही बीजेपी का प्रचार बिना कराए कर देते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो ऑटोमेटिक ही बीजेपी के लिए हो जाता है, बोलते भी ऐसा ही है, वो अपने आप ही कुछ उल्टा बोल देते हैं वो, तो बीजेपी को तो बेनिफिट खुद ही दे रहे हैं, तो हमें तो दिक्कत है ही नहीं राहुल गांधी जी के प्रचार प्रसार से। युवा दो सवाल सुन लीजिए मैम, पहला सवाल, अगर ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, एट द सेम टाइम ही राशन बांट रहे हैं, तो पहला तो ये इनका कंट्राडिक्टरी काम है, दूसरा जैन चौधरी के ज्वाइन करने का जो आधार ये बोले हैं कि जाटों का, तो ये जातिवाद बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर आप उसी आधार पर उनको ज्वाइन करवा रहे हैं तो ये जातिवाद नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों सवाल का जवाब इनसे आप पूछ लीजिए। आइए जरा, कौन देगा? नया चेहरा लूंगी, आप इधर आइए, इधर आइए। क्या सवाल लिए हैं? पहला कि अगर आप राशन इतने करोड़ लोगों को बांट रहे हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसा ग्रोथ कर रहा है? पहला, राशन इसलिए बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस ने भी पहले राशन बांटा। अरे आप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मुद्दे की बात करिए ना। मैं नहीं लूंगी। सबसे पहले तो आप मेरी बात, आपसे सवाल पूछा है, कांग्रेस को ला दिए हैं, और कोई बुला लीजिए। सवाल मैम, सवाल मेरा एकदम क्लियर है, सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए मैम, सवाल क्लियर है सर, एक सेकंड आप सवाल सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप राशन बांट रहे हैं, यानी जनता के पॉकेट में पैसा नहीं है, तब इसीलिए आपको राशन इतना करोड़ लोगों को बांटना पड़ रहा है, और कोविड के बाद भी आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। दूसरा आप बात करते हैं कि जैन चौधरी जुड़े क्योंकि जाट समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, इसीलिए जैन चौधरी ज्वाइन हुए, तो आपका आधार ही जातिवाद है, फिर आप कह रहे हैं कि जातिवाद हम लोग फैला रहे हैं, तो मतलब आप भी काम वही कर रहे हैं घुमा फिरा के, क्या बात है? आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जातिवाद के आधार पर नहीं आए, विचारधारा के आधार पर आए, वो मोदी जी से प्रसन्न हो गए हैं, उनकी विचारधारा से प्रसन्न हो गए हैं। मैं भी जवाब दे देती हूँ, मैं भी बता दूंगी। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है जी, सिर्फ इसलिए अगर सम्मान दे दिए तो इसलिए रख लिए, मोदी जी से प्रभावित होकर, विचारधारा से उनकी प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, और यही नहीं कहता मैं भारत रत्न उनको वैसे ही दे दिया है, मोदी जी ने चुनावों की वजह से दे दिया है, वो डिजॉल्व करते हैं, उनके दादाजी ने देश के उप प्रधानमंत्री का भी दायित्व संभाला है, ऐसे नहीं दे दिया किसी को, उठा के भारत रत्न दे दिया, मुझे दे दिया या आपको दे दिया,
वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उसके अलावा डिजॉल्व करते हैं वो, और ऊपर नहीं प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री। अच्छा प्रधानमंत्री, वही मैं सोचा उप प्रधानमंत्री का पद कहाँ से आएगा। प्रधानमंत्री एक लेवल है उनका, उनके ऐसे ही कोई उठा के थोड़ी। उसके अलावा वो विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्हें ये भी पता है। लाठी किसने बरसाई उन पे? तो तब भी जयंत चौधरी ना, जब लाठी बरसी है तो गए क्यों फिर? लाठी तो 1990-92 में परम श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी थी कार्यकर्ताओं पे। लाठी की तो बात ही, पीछे को मत जाओ बैक स्लैप पर। सुनिए, उनको तो समाज में ही नहीं आना चाहिए। अमित शाह, सुनिए एक मिनट सुनिए। आप अदालत एक सेकंड सर। भारत बोल का आज का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।